इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। 80 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, मिलेगा का लाभ, शानदार फैसला। अस्सी लाख कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। न्यू अपडेट ऑफ 2024। भारत सरकार पर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का दबाव बना हुआ है। हाल के एक घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामला दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है जिसमें बताया गया है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। फरवरी 2024 के लिए अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और तय समय सीमा के भीतर अर्जी दाखिल करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने विश्वास जताया है कि सुप्रीम कोर्ट अंततः सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा। अनजान लोगों के लिए ओपीएस, जिसे परिभाषित लाभ पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके वेतन इतिहास और सेवा के वर्षों के आधार पर पूर्व निर्धारित आय प्रदान करती है। इसने मुद्रास्फीति से सुरक्षा के साथ जीवन के लिए अनुमानित आय का स्रोत सुनिश्चित किया। जबकि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करना जारी रखते हैं, केंद्र सरकार वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए इसे बहाल करने में अनिच्छुक रही है। हालांकि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह तभी उचित है जब राज्य सरकार के कर्मचारी इसके हकदार हैं। यदि ओपीएस बहाल किया जाता है तो अनुमान है कि लगभग 80 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए और वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। ओपीएस आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन प्रदान करता है। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई जारी है, देश भर के सरकारी कर्मचारी उत्सुकता से अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, एक अनुकूल निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी सेवानिवृत्ति की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करेगा।